श्री श्री मदकेलवल्ली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरिव। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम् यस्मिन् कुरंगी पुरुषां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरये नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेः सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्रानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मन्द मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव परम मंगल श्री मधुकेलवल्ली श्री प्रियालाल की अद्भुत हो रही लीला पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए के श्री श्यामला जी ने अपने नूपुरों को संभालते हुए आवाज नहीं हो और
नृत्य विधान प्रस्तुत करते हुए पीछे से आकर के धोखे से श्याम सुंदर के मुख के ऊपर केसर का रस लगा दिया है, चंदन जो है वो चंदन लगा दिया है। हो कह करके अब उस समय ताली बजा करके उछल रही है, कूद रही है। 13वां श्लोक है कि राधा कर्ण कंकण किंकणीकम मदोल्लसत चंचल चंचलीकम गंडस्थले नंद सुतस्य कंदुकम चिक्षेप बेगा उन्नत कंचुकांशुकम बलिहारी। ये होली का खेल ही ऐसा, इसमें कहां केश खुलेंगे, कहां जूड़ा अमूड़ा खुलेगा, कहां अंचल जाएंगे, कहां हार टूटेंगे, कहां चूड़ी मुरक जाएंगे, कहां फिसल जाएंगे, कहां बस होली की धमार में धमाल में उधम मच रहा है कि बस वो अव कुणत कंकर कंकड़ी का श्री राधिका के श्रीहस्त की जो चूड़ी है कंकर वे कुणत बज रहे हैं और किंकणी का कमर की जो कोधनी है वो भी अपूर्व रूप से बज रही है। और मदोल्लसत चंचल चंचली कम और मद में उल्लसित होते हुए चंचल भ्रमर डोल रहे हैं। भ्रमर कौन है? पुतलियां, यही भ्रमर है। तो भोरे जिनके चंचल घूम रहे हैं तो मदोल्लसत चंचल चंचली कम और गंडस्थले नंद सुतस्य कंदुकम चिक्षेप बेगो नत कंचुकांशुकम। और उस समय श्री प्रियाजू ने बड़ी सुंदर फूल की गेंद ली है, चंदन में भीगी हुई फूल की गेंद को गंडस्थले नंद सुतस्य श्री नंद कुमार उनके कपोल के ऊपर उस समय खींच करके मारी है, फेंक करके मारी है। और श्याम सुंदर के श्री मस्तक पर लग करके वो चंदन की जो बूंद है वो पूरे कपोल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो गंडस्थले नंद सुतस्य कंदुकम चिक्षेप बेगो कंचुकांशुकम। उस समय श्री प्रिया जी ने जब गेंद फेंकी उस समय उनके कंचुक उनके ऊपर जो वस्त्र हैं वो वस्त्र कहीं पल्लू कहीं उड़ करके जा रहा है। और उस समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके श्री अंग के परम उस निज रत्न धन का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित लाल लीलाल की अपूर्व शोभा जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो श्री प्रिया उनकी अपूर्व शोभा और उस समय बेगो नथ कंचुकांशुकम बेग पूर्वक बक्षस्थल के ऊपर जो अंचल है वो अंचल उन्नत हो रहा है, ऊपर उछल रहा है, वो कहीं का कहीं जा रहा है। उस समय बिहाय दंतीर दंतरिंद्र गतिम गतिर विचारम दंतीन्द्र माने हाथी के समान जिनके मदमत्त गति है वे श्री श्याम सुंदर हाथी के समान झूमते झूमते हाथी के समान मदमत्त गति से उस समय विचारम बिहाय सारा विचार जितनी भी मर्यादा उस सब को तो लेकर के कहीं ऊपर रख दिया, सारे विचार को छोड़ करके श्री दंतीन्द्र गति मत वाले हाथी के समान गति वाले श्री श्याम सुंदर ने सारे विचार को छोड़कर शशांक सारम हा हा करके आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने पर शशांक सारम चंद्रमा का जो सार अर्थात चंद्रमा में जो अमृत है वो अमृत भी जहां दूर हो गया है। सो हाशश्रिया हंसी की शोभा के कारण जिन्होंने अपास्त शशांक सारम चंद्रमा का सार माने चंद्रमा की मधुरमा उसका भी त्याग कर दिया है अर्थात श्री श्याम सुंदर की हंसी चारों ओर प्रकट हो रही है। श्याम सुंदर की हंसी दंतावली जो है वो दंतावली उनकी चांदनी चारों ओर प्रकट हो रही है।
और बलान जो तो वृषभानुजाननम निनाये तक कुमकुम पंक माननम। श्री बलानुज ने बलवान अपनी बलवत्ता प्रकट करते हुए श्री बलराम के भाई उन श्री श्याम सुंदर ने श्री वृषभानुजाननम श्री वृषभानुजा उनके श्री मुख को आपने निनाये तक कुमकुम पंक माननम हाथ में कुमकुम की पंक लेकर के श्री प्रिया के मुख के ऊपर रगड़ दी है। प्रिया के मुख के ऊपर उस समय पूरा कुमकुम रोली वो मुख के ऊपर लगा दी है। अब बलानुज हैं तो इनकी जोड़ी वृषभानुजा के साथ में होगी, दोनों में बल की कमी नहीं है, दोनों में परम पराक्रमी होकर के विराजमान। सूर्य जैसे सबसे ज्यादा पराक्रमी ऐसे ही श्री कृष्ण भी बलानुज हैं, बलदेव के भाई हैं, इसलिए इनमें भी पराक्रम की कमी नहीं है। एक है बलदेव के भाई और दूसरे हैं वृषभानुजा। वृषभानु वृष का जो चमकीला चंद्रमा सूर्य, उस सूर्य की वृषभानु बाबा सूर्य के समान तेज वाले उनकी पुत्री होकर के विराजमान है। सो बलानुजो श्री वृषभानुजाननम निनाय तक उनको पंक माननम, यहाँ पर प्रेम का बल दोनों में विराजमान है। श्याम सुंदर में भी प्रेम का बल विराजमान है और प्रिया में भी प्रेम का अपूर्व जो बल है वो बल विराजमान है। और अपूर्व से कुमकुम जो है उनको वे लगाते हुए विराजमान है। श्री रसिक जनों ने ये जो विभिन्न होली के जितनी भी वस्तु हैं, इन सब वस्तुओं का जो दिव्याति दिव्य गूढ़ अर्थ है, उस गूढ़ अर्थ को भी प्रकट किया घनसार तत्वतः कपूर, वो बिहारी कपूर है। जहां रोरी अक्षत ये मनोरथ होकर के ही विराजमान है, चोवा चित्त की चाह होकर के ही विराजमान है, अबीर हास होकर के ही विराजमान है, तो सब विलास होकर के ही विराजमान। रसिक जन जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं वो श्री जुगल का विलास ही होकर के विराजमान है, उसका ही वे दर्शन करते हुए विराजमान। सो आज श्री प्रिया जो हैं उनके मुख्य ऊपर श्री श्याम सुंदर ने सुंदर जो कुमकुम है वो कुमकुम को ही अपूर्व से लगाया है, कुमकुम लगाते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये तत्सुखी भाव इसी का नाम कुमकुमा है। रसवन वर्णन किया प्रियालाल में एक दूसरे को सुख देने का जो भाव है वो सुख का भाव ही कुमकुमा होकर के विराजमान। सो आज कुमकुम नहीं लगाई जा रही है, मानो प्यारी को सुख देना या भाव ही श्री श्री श्याम सुंदर के हृदय में एकमात्र विराजमान। बद्धांजलि प्राप्त प्रिया जी के रोली लगा करके और फिर हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कह रहे हैं डीट ये डीट छोड़ पर जटाई का कोई ठिकाना है, जान बुझ करके तो इतनी चंचलता कर रहे हैं, इतनी प्रगल्भता कर रहे हैं और फिर हाथ जोड़ करके कह रहे हैं बद्धांजलि अति दीन होकर के कृष्ण रसज्ञो दैताम प्रवीण। वे रसज्ञ कृष्ण दैताम प्रवीण जो जितने भी प्यारे हैं उन सबों में सर्वश्रेष्ठ होकर के जो विराजमान, ऐसे वे दैताओं के बीच में दैता मानी श्री राधिका से वे परम प्रवीण श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं। इस श्रीमद वृंदावन की इस निकुंज लीला में सब परम रस प्रवीण होकर के विराजमान श्री प्रिया जी परम रस प्रवीण। श्याम सुंदर को सुख कैसे दिया जाए, यही प्रवीणता है। प्रिया श्याम सुंदर का सुख चाह रही है, श्याम सुंदर प्रिया का सुख चाहते हैं, वे भी प्रवीण हैं। सखी गण युगल का सुख चाह रही हैं और श्री वृंदावन ये कुंज ये युगल और सखी गण इन तीनों का सुख चाह रहे, तो सब सेवा प्रवीण है। निज सुख की कामना यहां निकुंज रस में किसी के हृदय में है ही नहीं, काम का तो स्पर्श मात्र भी नहीं है और सब स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के
कि ये मेरा है, ये शत्रु का है, ये किसी दूसरे का होगा, हमें क्या करना। इस भाव से मुक्त होकर के यहाँ पर केवल प्यारे को सुख देना है, इस भाव को लेकर के ही सब एकमात्र विराजमान है। और अंजलि बांट करके दीन होकर के और शिवप्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, जलम बिना जीवत नहीं मीन, जल के बिना कहीं मछली रह सकती है क्या? ऐसे मैं आपके मुख का दर्शन किए बिना क्या रह सकता हूं क्या? जल के बिना मछली नहीं रहती है। प्रिय सदा हंत भवाम्यधीन, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ, अधीन हूँ। ऐसा कह मुंह के ऊपर रोरी भी लगाते जा रहे हैं, चंचलता भी करते जा रहे हैं, मैं तो आपके अधीन हूँ, मैं तो आपके अभी अधीन हूँ, ऐसे ढिठाई भी दिखा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रिय मुझ पे कुछ ढिठाई बन गई हो तो धार्षण कृतम तन्न ममेह दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने जो ढिठाई की है उस ढिठाई में मेरा कोई दोष नहीं। स्वकार मासेन विचार मोश, क्या करूं, ये फागुन का महीना ही ऐसा आ गया है कि जिसमें विचार का मोक्ष हो जाता है, विचार समाप्त हो जाता है, विचार का मोक्ष हो जाता है। ये फागुन का महीना ही ऐसे उल्लास का महीना है कि इसमें कोई विचार रहता ही नहीं है, मर्यादा रहती ही नहीं है। तो धार्षम कृतम तन्न ममेह दोष, मैंने जो दुष्टता की इसमें मेरा दोष नहीं है। स्वकार मासेन विचार मोश, इस महीने नहीं, महीने नहीं, फागुन के महीने ही मेरे सारे विचारों का मोक्ष करा दिया है, विचारों से मुक्त मुझे करा दिया है। इसलिए हे प्रिय निस्सारणीय मनसो अद्य रोष, फागुन के महीने में कोई गुस्सा करता है क्या? इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, क्रोध मत करना, अपने हृदय से हे प्रिय क्रोध को निकाल दो, निकाल दो। निस्सारणीय मनसा मनसा अद्य रोष, अपने मन के रोष को अब निकाल दो, निकाल दो। सम्माननीय सुमुखित प्रतोष, हे प्रिय अपने हृदय में संतोष को ही सम्मान दो, अर्थात ये तो सौभाग्य है आज कि आप मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं, ये मेरा सौभाग्य है और ये आपकी आपका जो संतोष है उसको ही कृपालुता को ही मेरे ऊपर सम्मान देते हुए आप विराजमान हो। ऐसे शिवप्रिया के सामने रोरी लगा करके और ऐठते हुए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। सम्माननीय सुमुखी प्रतोष है, हे सुमुखी जो संतोष है उस संतोष को ही सम्मान प्रदान करो। अब शिवप्रिया उस समय क्रोधित होकर के कहेंगी ही, जब शाम से ऐसी चंचलता कर रहे हैं तो प्रिया को क्रोध आएगा ही आएगा, और कह रही हैं जानामि जानामि कृतम सुचातु ना अमुना, जानामि जानामि मैं सब समझ रही हूं, सब समझ रही हूं, कृतम सुचातु ना अमुना, ये खुशामत करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताती हूं तुमने जो किया है उसका जवाब अभी मैं भी दूंगी। तो जानामि जानामि, यहां पर गर्व दोनों में प्रतिस्पर्धा है, गर्व अमर्ष दोनों में क्रोध और प्रतिस्पर्धा विराजमान है, दोनों में अहंकार है, ये अहंकार की वंदना है इस होली में। यहाँ पर जगत में अहंकार निंदनीय है, परंतु यहाँ छल अहंकार झूठ क्रोध इनकी ही वंदना हो रही है और उसी का गायन हो रहा है कि जाना में जाना में कृतम सुचाटुना अमुना, ये चाटुकारता जो आप कर रहे हो वो उचित नहीं है। लालन तुम जो चाटुकारता कर रहे हो वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। अधुना पाए हरे न साधुना, हे हरे अब न अधुना पाए न साधुना, अपनी साधुता दिखा करके अपनी साधुता को रहने दो, रहने दो। अधुना पाए न साधुना,
हमारे ऊपर ये साधुता दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भलमन साहब जो दिखा रहे हो कि हे प्रिय मुझ पे कुछ अपराध बन गया हो तो उसको क्षमा करो क्षमा करो, ये साधुता दिखाने की जरूरत नहीं है। जानामी जानामी, मैं सब जान गई हूँ, जान गई हूँ। श्याम सुंदर जी जो कहा ना कि धार्षम कृतम तन्न ममेह दोष, जो दुष्टता की है उसमें मेरा दोष नहीं है, तो मैं इस फागुन के महीने का दोष है। इसके जवाब में कह रही है ये साधुता दिखाने की, अपने आप को बहुत भला मानस दिखाने की जो तुम प्रयास कर रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे चंचल हो ये साधुता दिखाने की जरूरत नहीं है। इतीव रोशन निजात दैवतम, ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी ने हृदय में प्रणय कोप धारण करके हाथ में जो कमल ले रखा था वही कमल जड़ दिया लाल जी के हाथ में जो कमल ले रखा था वो कमल ही लाल जी के जड़ दिया है। तो इतीव रोशन निजात दैवतम, इस प्रकार रोष प्रकट करते हुए निज अधदैव अपने हृदय के प्राण धन उन श्री श्याम सुंदर के ऊपर जघान लीला कमलेन सैव तम, उस समय लीला कमल से हाथ में जो लीला कमल था उस लीला कमल से ही श्याम सुंदर को जड़ दिया है, लीला कमल ही श्याम सुंदर के लगा दिया है, श्याम सुंदर का प्रहार करते हुए विराजमान हो रहे सो कह रहे हैं जाना में जाना में कृतम सो चाटुना, श्याम सुंदर मैं तुम्हारी चाटुता को जान गई इस चाटुता को करने की चाटुकारता करने की खुशामत करने की आवश्यकता नहीं है, चाटुता फ्लैटरिंग जो है उस चाटुकारता करने की मेरी जरूरत नहीं है। अधुना पाहे हरे न साधना, हे श्याम सुंदर अपनी साधुता को रहने दो, अपने पास में रखो, इस साधुता को हमारे सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भलमन साहियत को दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए रोष के सहित निज अधिदैवतम जघानो, श्री राधिका ने अपने अधिदैव प्राण धन श्री श्याम सुंदर उनको प्रेम से उस समय झटक रही है। तो ये गाल पर गुलचा मारना और श्री हस्त कमल इनका प्रयोग करना, हमारी ब्रजभाषा का एक बड़ा सुंदर शब्द है गुलचा, जहां पर मुट्ठी बांध करके अंगूठे को भीतर दबा करके मुट्ठी बांध करके और गाल के ऊपर मारा जाए, भीतर है बड़ा प्रेम और गाल के ऊपर जहां प्रहार किया जाए उसका नाम है गुलचा, और उसमें भी ऊपर क्रोध का भाव है और भीतर अत्यंत प्रेम का भाव विराजमान है। ये गुलचा शब्द इसका कोई अनुवाद नहीं है इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, वो गुलचा अद्भुत है, जहां प्रेम के साथ में कपोल के ऊपर जहां पंच किया जाए वो अपूर्व प्रीति विराजमान है। ऐसे ही प्रेम प्रीति की अधिकता में, प्रेम के अतिशय पाव में शिवप्रिया ने अपने हाथ में जो लीला कमल ले रखा है उस लीला कमल को ही श्री श्याम सुंदर के ऊपर वो प्रहार करती हुई विराजमान हो रही है। तो जघान निज अधदैवतम, ये अधदैवतम निज अधदैवतम माने अपने संपूर्ण प्राण धन आत्मा सब के परम परम प्यारे होकर के जो विराजमान है उन श्री श्याम सुंदर को श्री किशोरी जो आज प्रेम में, प्रेम की अक्षयता में जहां लीला कमल के द्वारा ही पीट रही है, और ये श्याम सुंदर ने छिप करके आकर के मुंह के ऊपर रोली लगाई है तो गुस्सा तो आएगी और ऊपर से बड़ा भलमन साहियत दिखा रहे हैं, अपना भलमानस पना दिखा रहे हैं, कोई हमारा दोष नहीं है, ये तो फागुन के महीने का दोष है, इसमें तो हो ही ऐसा जाता है, इसमें तो विवेक सब समाप्त हो जाता है, इसलिए हो बुरा न मानो होली है, ऐसा कह करके जो कह रहे हैं कि बुरा मत मानो ये तो होली का समय है और इसमें तो ऐसा हो ही जाता है। तो शिवप्रिया ने उस समय लीला कमल के द्वारा श्याम सुंदर को
प्रहार किया है। वृंदावर्यो युवयो अयम नयो जयोचित सुंदर भावनान नयो नेत्रे हरे खंजर गर्भ मोचने तम कज्जले नाजय कंज लोचने। श्री किशोरी जी बोली नहीं नहीं ये गलत है, ये हम अपनी सखी से बात कर रही थी और इन्होंने पीछे से आकर के हमारा ध्यान नहीं था और पीछे से आकर के हमारे मुख के ऊपर रोली लगाई है, ये गलत है गलत है। श्री वृंदा जी करी हाँ गलत तो है, अब श्याम सुंदर को दंड तो मिलना चाहिए। बोल क्या दंड हो, हमने तुमको निर्णायक बनाया। उस समय श्री वृंदा जी ने जजमेंट दिया, वृंदा जी ने निर्णय दिया और निर्णय ये दिया श्याम सुंदर ने फाउल खेला है और इनका निर्णय यही है, इनको येलो कार्ड यही दिखाया गया है, इनका निर्णय यही है कि अब श्री राधिका को फ्री हिट दिया जाएगा और वो ये है कि श्री राधिका श्याम सुंदर के आंख में काजल लगा दे ये रेफरी का ये निर्णय हुआ कि श्याम सुंदर ने गलती की है और गलती की है तो उनको यही दंड मिल रहा है कि श्री राधिका श्याम सुंदर के नयनों में काजल लगा दे। सो वृंदा वर्यो युवयो अनो नय, श्री वृंदा जी कह रही हैं नहीं तुम दोनों का ये जो व्यवहार है वो सर्वथा सर्वथा उचित है, उनका छिप करके आपके मुख पर कज्जल रोली लगाना और तुम्हारा लीला कमल के द्वारा प्यारे को पीटना दोनों ही सही, उनका भी गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है। वृंदा आह कि द्वयो हो युवि हो अयम नयः वर्यः, ये तुम दोनों का जो नय माने तुम दोनों का जो व्यवहार है वो वर्य है, श्रेष्ठ होकर के ही विराजमान है। जयोचित दोनों ही विजय के योग्य हैं, ये व्यवहार उचित है, नय माने व्यवहार, ये व्यवहार वर्य है श्रेष्ठ है और जय के उचित है। सुंदर भाव नयो हे सुंदरी भाव नुन्नयो हो, आप दोनों भाव से नुन्न माने युक्त होकर के विराजमान, दोनों ही भाव से युक्त होकर के आप विराजमान हैं, आप दोनों का यह भाव सर्वथा सर्वथा उपयुक्त ही होकर के विराजमान है। सो भावम युवो नुन्नयो हो, सुंदर भाव नुन्नयो हो हे सुंदरी भाव से युक्त तुम दोनों का ये जो भाव है वह सर्वथा सर्वथा वर्य ही है श्रेष्ठ ही है। फिर भी श्याम सुंदर को सावधानी रखनी चाहिए थी, अभी प्रिया कह रही है मेरी आंखों के बीच में गुलाल भर गई कुमकुम भर गया, तो ये तो बात गलत है, आंखों में तो कुमकुम नहीं भरना चाहिए, तो उसका दंड तो मिलेगा। यद्यपि ये व्यवहार में कोई गलती नहीं है परंतु तो आंख वाख में रोगी भर जाए तो प्रिया को असुविधा हो रही है कष्ट होगा तो इसका दंड तो मिलना चाहिए, और वो दंड यही है कि नेत्रे हरे खंजन गर्भ मोचने, अरे मेरी सखी खंजन गर्भ मोचने, खंजन के भी अभिमान को अपने नयन की शोभा से मुक्त कर देने वाली हे खंजन नयनी श्री राधिके, राधिका के लिए संबोधन है खंजन गर्भ मोचने। खंजन के नेत्र बड़े चंचल होते हैं, चंचल नेत्र होते हैं और चंचलता में बड़े बड़े भी होते हैं और चंचल भी होते हैं, इसलिए चंचलता में नेत्रों की तुलना दी जाती है खंजन से। जो नेत्र के बड़पन बड़ापन और सुंदरता उसमें तुलना दी जाती है उसकी कमल से, नेत्र की टेढ़ेपन में तुलना दी जाती है मीन से, तो मीनाक्षी कमलाक्षी और खंजनाक्षी, और मृगाक्षी भोलेपन में मुग्धता में तुलना दी जाती है मृग से, तो मृगाक्षी खंजनाक्षी कंजनाक्षी होकर के
ये विराजमान हैं और यहाँ पर खंजनाक्षी कहकर के निरूपण कर रहे हैं। तो हे खंजन लोचने माने चंचल खंजन के खंजन पक्षी के भी अभिमान को नष्ट कर देने वाली हे श्री राधिके। अब श्याम सुंदर ने तुम्हारी आंखों में गुलाल भरी, इसका दंड तो श्याम सुंदर को मिलना चाहिए। तो निर्णय ये है कि नेत्रे हरे खंजन गर्भ मोचने तुम कज्जले न अंजय कंज लोचने। श्याम सुंदर की आंखों में जैसे इनने तुम्हारी आंखों में गुलाल भरी है, ऐसे तुम इनके नेत्रों में कज्जल भर दो, काजल लगा दो। ये हुआ, बराबरी हो गई ना, इनने तुम्हारे आंखों में भरी है गुलाल और तुम इनके आंखों में लगा दो कज्जल। कज्जल कंजन कज्जल कज्जलेन अंजय कंज लोचने। हे कंज लोचने, हे कमल लोचने, तुम कज्जल से अंजय इनके नेत्र जो हैं उनको अंजित कर दो। ऐसे जैसे जब कहा उस समय श्री प्रिया जी ने स्मित्वांगुली शिखर सिंजित कज्जलेयम जरा सा इशारा किया और उसी समय श्री सुदेवी जी वे कजरोटा लेकर के विराजमान है। सारी सखी विशेष रूप से सुदेवी जी अपने संग में रंगरोटा कजरोटा रखती हैं। कजरोटा मतलब काजल की डिबिया, काजल का पात्र, तो उसको कजरोटा कहते हैं हमारी ब्रजभाषा में। तो कजरोटा रंगरोटा, रंगरोटा माने विभिन्न रंग के पात्र, वे है रंगरोटा और जो कज्जल का पात्र है कज्जल की डिबिया उसका नाम है कजरोटा। तो कजरोटा लेकर के श्री रंग देवी जी पास में विराजमान है और रंग देवी जी ने तुरंत ही कजरोटा सामने दिया है और श्री किशोरी जी ने परम सुंदर कैसी कमल शरीर की, कमल की पंखुड़ी शरीर की कोमल उंगली, उन उंगलियों में उस कजरोटा से दोनों उंगलियों में मध्यमा में और तर्जनी में दोनों में कज्जल अपनी उंगलियों में भरा है। तो स्मित्वा अंगुली शिखर संचित कज्जलेयम, अंजुली के उंगली के शिखर पर सिंचित कज्जलेयम कज्जल जो है उनको लगाया है और संगोपि कंपम अपे संप्रत नापनेयम, अपने हाथ के कंप को छुपाने का प्रयास कर रही है। पूरे श्री अंग में श्याम सुंदर का स्पर्श करने के लिए श्री महाभाव स्वरूप श्री स्वामी बढ़ रही है, तो प्यारे का स्पर्श प्राप्त होगा इतना विचार करके श्री अंग में कैसा कंप हो रहा है और उस कंप को इस समय छिपाते हुए रोकते हुए श्री प्रिया श्याम सुंदर के पास में धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो संगोप्य कंपम अपि, कंप को रोक करके संप्रत नाप नियम, पंत कंप कहीं रुके वो तो आएगा ही आकर, तो संप्रत न अपने वो कंप दूर नहीं हो रहा है, अभी भी कंप यो की त्यों विराजमान है। हस्तम निधारे दयताहिश तटे बेहस्तम, उस समय बेहस्तम माने शीघ्रता से श्री ब्रह्मानंदिनी ने राशेश्वरी ने श्री श्याम सुंदर के दाहिने कंधे के ऊपर अपने बाम कंध का हाथ को श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर रखा और अपने बाएं हाथ से श्री श्याम सुंदर के दाहिने कंधे को पकड़ करके उस समय श्याम सुंदर को अपनी ओर खींचते हुए हस्तम निधाय दैतांश कटे व्यस्तम, व्यस्तम शीघ्र शीघ्रता से अपने बाएं श्री हस्त को श्याम सुंदर के दाहिने कंधे के ऊपर रख करके बिहानंज कंज नयने दैता दैता समस्तम, आज श्री दैता प्यारी ने असमस्तम धीरे से काजल श्री श्याम सुंदर के आंखों में लगा दिया। बोलो राधा रानी की जय। असमस्तम अर्थात कांप रही है, इसलिए काजल को बस धीरे से एक बार दो बार 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 घुमा करके काजल को नहीं लगाया, समस्त रूप में नहीं लगाया,
धीरे से कज्जल श्याम सुंदर के नैनों में लगा लिया है और मानो उन नैनों की शोभा, नैनों के भाव को अपने हृदय में ही संक्रमित कर लिया है, अपने हृदय में ही धारण करके विराजमान हो गई है। भले जय हो बलिहारी शोभा, बोले लाडली लाल की जय। तो स्मृत्वा अंगुली शिखर संचित कज्जलियम, उंगली के पोरुआओं में कज्जल को संचित करके संगोप्य कंपम अपि, श्री अंग में जो कंप हो रहा था उसको रोकती हुई, संप्रत नापने, जो कंप रोकने पर भी रुक नहीं रहा है, ऐसे उस कंप को रोकते हुए हस्तम निधाय दैत अंश तटे, श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रख करके व्यस्तम शीघ्रता से व्यानंजो कंज नयने, श्याम सुंदर के कंज माने कमल शरीर के नेत्रों में व्यानंज माने कज्जल को लगा दिया। और वो कज्जल भी कैसा लगाया, दैता असमस्तम, पूर्ण कज्जल नहीं लगाया, माने धीरे से कज्जल लगा लिया है, कहीं बिखर रहा है तो बिखर रहा है, कहीं टेढ़ा जा रहा है तो टेढ़ा जा रहा है, कंप तो है ही है, कंप युक्त हस्त से लगा रहे। और श्री श्याम सुंदर के नयनों में वो कज्जल, कमल सभी के नेत्रों में वो टेढ़ा लगा हुआ कज्जल भी, आधा पर्दा लगा हुआ बिखरा हुआ कज्जल भी कैसा सुंदर शोभा, क्योंकि किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, जो मधुर है उनके लिए कौन सी वस्तु मंगल में सुंदर नहीं हो जाती है। तो ज्ञानंज कंज नयने दयता असमस्तम, तो बेहस्तम हस्तम ज्ञानंज कंज, हर जगह अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है, वर्ण साम्यम अनुप्रास, जहां पर किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाए और उससे एक अपूर्व ध्वनि, एक अपूर्व स्वर की लहरी प्रकट हो, जो समरसता स्वर की अपूर्व रूप से प्रकट हो, वो उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। तो वो एक सुंदर, वो लहरी एक अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है। तो शिवप्रिया ने कज्जल लगा दिया। तयोर मिथः स्पर्श विलास जातम, भावोन्नतम हर्ष विकास जातम, वीक्षामितानंतर रंग संकुलम चित्रायतन तत्र बभौ सखी कुलम। पदशैया कितनी सुंदर है, शब्दों का, वर्णों का जो विन्यास है वो कितना स्मूथ, कितना मृसण है, कोमल है, उसमें कहीं कठोरता नहीं है। ये काव्य की भी अपूर्व मधुरमा सहज प्रकट हो रही है, जो वैधर्वी रीति है वो वैधर्वी रीति की काव्य मधुरमा वो साक्षात रूप से यहाँ प्रकट हो रही है। तो तयोर मिथ स्पर्श विलास जातन, उस समय श्री प्रिया के स्पर्श को प्राप्त करके श्याम सुंदर में अपूर्व रूप से कंप उत्पन्न हो रहा है, और प्यारे को छूते हुए श्री प्रिया में जिस कंप को रोकने का प्रयास किया वो कंप भी सामने प्रकट हो रहा है, दोनों में अपूर्व रूप से आनंद कंप प्रकट हो रहा है। तो तयोन मिथा, इन दोनों में मिथा माने परस्पर, स्पर्श विलास जातम, जो स्पर्श का विलास है वो स्पर्श का विलास दोनों के हृदय में ही उत्पन्न हो रहा है। भावोन्नतम, दोनों में ही उन्नत भाव उत्पन्न हुए हैं, भावोदय, भाव संधि, भाव शवलता और भाव शांति, ये चार प्रकार के भाव हैं, भावों की चार दशाएं। भावोदय माने कोई भाव का उदय होना, भाव संधि का मतलब है उस भाव के साथ में दूसरे भाव का मिल जाना, भाव शवलता माने अनेक भावों का एक साथ मिलकर के एक अलग से समूह बन जाना, कंपाउंड बन जाना, और फिर किसी एक भाव की शांति हो जाना। तो ये भावोदय, भाव संधि, भाव शवलता और भाव शांति, यहां पर शिव प्रिया उनके हृदय के भावोदय का, प्रिया लाल दोनों के हृदय के
भावोदय का वर्णन कर रही है कि तयो मिथाह स्पर्श विलास जातम। तयो माने वो श्री प्रियालाल दोनों, इनमें मिथा माने परस्पर, भाव विलास जातम स्पर्श के विलास से उत्पन्न होने वाला भावोन्नतम जो भाव था वो अपूर्व से भावोदय हुआ है, भाव उन्नत हुआ है। हर्ष विकास जातम, हर्ष नामक जो संचारी भाव है उसके विकास के कारण श्री अंग में रोमांच जहां पर उत्पन्न हो रहे हैं, श्री प्रियालाल दोनों में कंप उत्पन्न हो रहा है, कंप उत्पन्न हो रहा है। हर्ष विलास विकार जातम, ऐसा भावोदय उत्पन्न हुआ जो कंप को प्रकट करने वाला है। वीक्ष उनका दर्शन करके अमित अनंत रंगम संकुलम, अमित अनंत जो रंग है, रंग माने अनंत, उसका संकुल, उसका एक समूह यहां पर उत्पन्न हुआ, वही भाव सबल सबलता उत्पन्न हुई है। भाव सबलता, बहुत सारे भाव, उसमें लज्जा का भाव भी है, उसमें क्रोध का भाव भी है, उत्साह का भाव भी है, हर्ष का भाव भी है, कहीं जीत मैं जीतूं इस प्रतिस्पर्धा का भाव भी उसके ऊपर विराजमान है, और ऐसे सारे भाव मिलकर के एक भाव संकुल बना रहे हैं, एक भावों का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक कंपाउंड उनको भावों का बनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो वीक्ष अमित अनंत रंग संकुलम, एक दूसरे का दर्शन करके अमित रूप में अनंत जो रंग माने आनंद, उस आनंद का ही एक संकुल एक जगह उत्पन्न हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स एक जगह स्थापित हो गया है, एक समूह स्थापित हो गया है। और उसका दर्शन करके श्री प्रिया के सब भावों का दर्शन करके ये जितनी भी सखीगण हैं ये भी चित्रायतम मानो चित्र लिखी हुई सी रह गई है। ये चित्र तुरंगन न्याय के द्वारा इनकी पहचान तो हो रही है परंतु क्रिया नहीं हो रही। जैसे चित्र में लिखा हुआ एक घोड़ा, कोई पूछे क्या है तो उसकी पहचान तो होगी, तुरंत कोई व्यक्ति कहेगा ये घोड़ा है, परंतु उस घोड़े पर सवार ही नहीं की जा सकती है। ऐसे ही इन गोपियों को रूप को देख करके पहचानने में तो आ रही है कि ये ललता है, ये विशाखा है, ये चित्रा है, तुंग विद्या है, ये इंद्रलेखा है, रंग देवी है, सुदेवी है, वे अलग अलग पहचानने में तो आ रही हैं, परंतु पहचानने में आने पर भी उनकी जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं वे सब भूल गई हैं कि श्याम सुंदर को तांबूल देना है, प्रिया जी को तांबूल देना है, तांबूल भक्त ललताम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपक लताम चित्राम बसन कर्मणि बंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदु लेखांश नर्तने सुदेवी जल सेवायाम राजेश्री रंगदेव काम। अपनी अपनी जो सेवा हो, इस समय होली के समय भी अलग अलग जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को ये सब भूल गए हैं और चित्र तोरंगन न्याय से चित्र लिखी के समान स्थिर सी रह गई हैं, जो पहचानने में तो आ रही हैं परंतु अपनी चेष्टाओं को सबको भूल चुकी है, चित्र लिखी सी रह गई। तो तयोर मिथ स्पर्श विलास जातम, श्री प्रियालाल दोनों लालीलाल प्रियालाल उन दोनों के स्पर्श एक दूसरे का स्पर्श करके इनमें अपूर्व विलास का समूह, विलास जातम माने समूह, जात माने समूह, विलास का जो समूह है वो समूह उत्पन्न हुआ है। भावोन्नतम जो भाव के कारण उन्नत हो रहा है और हर्ष विकार जातम, हर्ष नामक जो भाव है वो उसमें प्रधान है। तो क्रोध ईर्ष्या असूया स्मित इन सारे भावों में मुख्य भाव कौन सा है? हर्ष। जैसे रसाला नामक जो पेय पदार्थ है उसमें मुख्य वस्तु है, बेस है दही, परंतु उस दही के साथ में उसमें आम भी निचोड़ा हुआ है, उसमें मिश्री भी मिलाई हुई है, उसमें कपूर भी मिलाया हुआ है, उसमें कुछ काली मिर्ची भी मिलाई गई है, उसमें मेवा भी डाली गई है, सारे भाव जैसे उसमें विराजमान है, परंतु उसका जो
बेस है, वो बेस दही ही है। ऐसे ही जितने भी किल किंचित भाव हैं, उन किल किंचित भावों में मुख्य जो आधार है वो है हर्ष। बाद बाकी के क्रोध, ईर्ष्या, असूया, ये जितने भी भाव हैं, लज्जा, स्मित, ये सारे भाव उस हर्ष नामक भाव के ही सहायक होकर के विराजमान हैं। तो यहां पर उसी हर्ष का वर्णन कर रहे हैं कि वीक्ष वीक्ष अमित अनंत रंग संकुलम, देख करके अनंत रंग माने जो आनंद है, उस आनंद का समूह वहां पर विराजमान है, और उस का दर्शन करके हर्ष विकास विकार जातम, मुख्य रूप से हर्ष रूपी जो दही है उसमें ही ये रसाला तैयार की हुई है, उस हर्ष के विकार से उत्पन्न होने वाले परस्पर जो विकास जात हैं, परस्पर जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं का दर्शन करके श्री सखीगण एकदम चित्रायतम, चित्र के समान हो गई हैं। अब श्री प्रिया के हृदय में जो भाव आएगा वो ही भाव सखियों के हृदय में अपने आप आ जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है सखियों के हृदय में, क्योंकि सखी श्री किशोरी जी की ही कायम व्यूह रूपा है, इच्छा रूपा होकर के सखीगण विराजमान है। प्रिया शक्ति आह्लादिनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनु। श्याम सुंदर आप आनंद स्वरूप हैं, श्री प्रिया स्वामी वे आह्लादनी शक्ति होकर के विराजमान है। प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप। श्री वृंदावन क्या है? युगल का ही तन है, युगल का शरीर ही वृंदावन है। और इच्छा सखी अनु, और सखीगण जो है वे सखीगण ही इच्छा रूप होकर के विराजमान, आज लीला करने के लिए एक ही आनंद तत्व प्रिया, लाल, सहचरी और वृंदावन, इन चार रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान हुआ है। इसलिए सखियों का चित्रवत हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वे सब सखी चित्रवत हो गई है। तस्मिन समाजे प्रमदाल संगते चतुर्विधे वाद्य जय लयम गते काच ननर्त हो पूर्तस्तदातयो हो उन्माद घूर्णा प्रतभाव घाते को। जब सखियों की मूर्छा दूर हुई तब वे सखी अपूर्व रूप से गायन करना प्रारंभ किया। तस्मिन समाजे, आज प्रियालाल को सुख देने के लिए जो एकत्रित होकर के विराजमान हैं, ऐसे गोपियों का यह अद्भुत समाज हुआ। समझ और समाज, इन दो शब्दों में अंतर है व्याकरण की दृष्टि से। समझ कहते हैं पशुओं के समूह को, झुंड को कहते हैं समझ, परंतु जहां किसी एक उद्देश्य को लेकर के कुछ व्यक्तियों का समूह हो उसका नाम है समाज। समझ केवल ग्रुप है, परंतु समाज सोसाइटी है। समाज उसको कहेंगे जहां पर कोई निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, जहां अनेक व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय हो उसका नाम है समाज। पशुओं का होता है समझ, मनुष्यों का होता है समाज, और इन रसकों के समाज का तो कहना ही क्या, ये तो गुण गुणों में सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। तो तस्मिन समाजे, इसमें समाज, और हमारे यहां पर एक ब्रज में गायन की पद्धति भी विराजमान है, वो है समाज की पद्धति। और समाज उसे कहते हैं जहां पर जो गुरुगण हैं वे कोई वस्तु का गायन कर रहे हैं और उसका अन्य अनुगत गण सब उसी को दोबारा उसका गायन करते हुए, अनुगायन करते हुए विराजमान हो, रिपीट करते हुए उसको विराजमान हो, उसका नाम है समाज गायन पद्धति। तो समाज में भी पहले श्री गुरुगण, गुरुदेव, गुरुगण वे प्रधान गण,
यूथ की जो प्रधाना है युथेश्वरी, वे कोई गायन करती हैं और उसके बाद में जितनी भी अन्य सखीगण हैं वे अन्य सखीगण उसी का ही अनुगायन करते हुए विराजमान होती हैं, उसको रिपीट करते हुए भी विराजमान होती हैं। तो तस्मिन समाजे, तो एक उद्देश्य को लेकर के एक ही भाव में बधे हुए अनुशासित जो सखियों का समुदाय है उस समुदाय में एकाएक फिर चेष्टा आ गई। और पहले कुछ क्षण के लिए तो वे चित्रवत खड़ी रही और अब वे सचेष्ट होकर के विराजमान हुई हैं। तस्मिन समाजे प्रमदाल संगते संगते, उस समय प्रमदागण जो प्रेम मद में मतवाली हैं, ऐसी प्रमदागण वे सब की सब संगत होकर के चारों ओर विराजमान हैं। प्रमदाल संगते, प्रमदों की समूह जहां संगत है। चतुर्विधे वाद्य चय लयम गते, उस समय चार प्रकार के जो वाद्य हैं वो चार प्रकार के वाद्य बजने लगे। कुछ वाद्य सुशिर हैं जो फूंक देकर के बजाए जा रहे हैं, जैसे बंशी, सुतुरई, शहनाई, मृदंगम, ये जो नादस्वरम, ये सब सुर से बजाने वाले जो वाद्य हैं वो सुशिर वाद्य कहलाएंगे। जो चोट देकर के उंगलियों से, थाप से या डंडे से जिनको बजाया जाए उन वाद्यों का नाम है आनद्य वाद्य। जो तंत्री से, जैसे नगाड़ा, जैसे मृदंग, तबला, ये सब आनद्य वाद्य हैं। तीसरे जो वाद्य हैं वे हैं तंत्री वाद्य, जहां पर जो स्ट्रिंग, जो तंत्र है उससे युक्त होकर के जो वाद्य हैं वे तंत्री वाद्य, वीणा, तानपुरा आदि, ये जहां पर बजाए जा रहे हैं। और कुछ वाद्य केवल ताल वाद्य हैं, जैसे झांज, मजीरा, खंजरी, ये ताल को देने के लिए, ताल को स्थिर रखने के लिए बजाए गए। तो यहाँ पर चतुर्विधे वाद्य चय लयम गते, चारों प्रकार के वाद्य लयम गते, लय को प्राप्त हो रहे हैं, बजाए नहीं जा रहे हैं, अपने आप बज रहे हैं। जय जय श्री राधे। क्योंकि नुकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब जड़ नहीं है, वे सब की सब चेतन हैं और वे भी सखी रूप हैं। इसलिए प्रियालाल में जब आनंद उल्लास प्राप्त हुआ उस समय ये वाद्य चय लयन गते, ये वाद्य अपने आप ही बज उठे, जहां पर वाद्य अपूर्व रूप से बज रहे हैं। तो तस्मिन समाजे प्रमदाल संगते, उस कृष्ण सेवा के लक्ष्य को लेकर के संगठित हुए इस समाज में जो प्रेम में मतवाली ब्रजगोपिकागण हैं, श्री किशोरी जी की ही अली, किशोरी जी की ही अंतर्गत जो सखी हैं, वे सखी अग्रवर्तिनी सखीगण, वे अग्रवर्तिनी सखीगण प्रियालाल के सुख में ही जो परम प्रवीण होकर के विराजमान हैं, वे सखी अपूर्व रूप से विराजमान हैं और चतुर्विधे वाद्य चय लयंगते, सखी भी उस समय सचेष्ट होकर के विराजमान हुई और वाद्य भी अपने आप जहां बज रहे हैं। उस समय काचित ननर्तु, जब आनंद अतिशय उमड़ता है तो व्यक्ति के चरण अपने आप थरकने लगते हैं। इनमें कोई गोपी अपने आप नाचने लगी, नचाने वाली कौन बस्ती है? गोपी नहीं है नाचने वाली, नचाने वाली वस्तु है प्रेम, प्रेम ही इन गोपियों को नचा रहा है। काचिन ननर्त हो पुरतस्तय हो, श्री युगल सरकार के सामने कोई अपूर्व रूप से नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं। पुरतस्तय हो, श्री युगल सरकार के सामने नाच रही हैं। उन्मद घूर्णा, उन्मत्त होकर के उद्घूर्णा ग्रहण करते हुए मतवाले होकर के, कहां अमूड़ा जा रहा है, कहां हार जा रहा है, कहां कटी की किंकड़ी जा रही है, कहां चरण के नूपुर खुल करके बिखर रहे हैं, कहां हार टूट रहे हैं, कहां वलय वे मुरक रहे हैं, कहां बाजूबंद खुल रहे हैं, जिनको होश नहीं है। और नृत्य के ताल को लक्ष्य बना करके श्री प्रियालाल उनकी सेवा को लक्ष्य बना करके जो अपूर्व रूप से नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं, युगल सरकार के सामने नृत्य कर रही हैं। उन्माद घूर्णा प्रतिभा विघातयो हो,
श्री प्रियालाल कैसे हैं, प्रतिभा दिखाते हो। इन गोपियों की जितनी भी विवेकशीलता है उस विचारशीलता प्रतिभा को विघात कर देने वाले हैं, अर्थात सबकी विवेकशीलता को, औचित्य विवेक को आज श्री श्यामचंद्र ने हरण कर लिया है और केवल अपने रस में ही सबको डुबो दिया है। ये सखी तत्सुख सुखी भाव को धारण करके श्री प्रियालाल इन दोनों की सेवा करते हुए विराजमान है। प्रतिभा विभाग दिखाते हो माने विवेक औचित्य इन सबको भूले हुए, डिस्क्रिमिनेशन जो एटीट्यूड है उसको पूरी तरह से भूले हुए, जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को, अपनी अहंकार उसको भूल करके, अपने आप को भूल करके ये सब की सब आनंद पूर्वक नृत्य कर रही है। मितक्षपंत सुमना परागम, ये सब उस समय फूल जो है उन फूल को चारों ओर फेंक रही हैं, गुलाल उछाल रही हैं। तो सब तो मिथक्षपंत सुमना परागम, पुष्प उनके पराग को ये फेंक रही हैं। समीरयंत सललम सरागम, और उस समय जल जो है उस जल को राग पूर्वक एक दूसरे के ऊपर जल को डालती हुई विराजमान हो रही हैं। तव माधुर्योल्लास विलास कंदरव, वे दोनों मादन भाव के उल्लास के विलास में दोनों के दोनों विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर पे भी रहा नहीं गया और श्री श्याम सुंदर भी उस समय नाचने लगे, प्रिया जी भी नाचने लगी। सखियों को जब नाचते देखा तो जैसे एक को नाचते हुए देख करके दूसरा भी नाचने लग जाता है। जो संगीत जानता है वो रहा नहीं जाएगा, वो अपने आप गायन करने लगता है, नाचने वाला उसके चरण कहीं ना कहीं थरकने लग जाते हैं। ऐसे ही सब मादन उल्लास विलास कंदरव, श्री युगल सरकार उल्लास के विलास में मतवाले होकर के विराजमान हैं। मादनाक्ष महाभाव इनमें विराजमान हैं। सर्व भावोद्गम उल्लासी मादनोयम परात्पर राजते लादनी सार श्री राधायाम एव यस सदा, जो मादन महाभाव श्रीमती राधिका में ही एकमात्र विराजमान है, अन्यत्र जो आनंदात्मक महाभाव है वो विराजमान है, परंतु श्री राधिका में मादन महाभाव विराजमान है। और श्री राधिका के मादन महाभाव के समय श्री श्याम सुंदर भी और जितने भी सखीगण, वे सब सखीगण भी आनंद पूर्वक उस मादन महाभाव को प्राप्त करके प्राप्त कर रही है। राधिका के संपर्क के कारण उसका प्रभाव सबके ऊपर आ रहा है। तब मादनोल्लास मतवाला करने वाला जो उल्लास है, मुख्य रूप से विराजमान श्रोत है श्री राधिका उसकी, और उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के अन्य जितने भी सखीगण हैं उल्लास विलास कंदरव, वे उल्लास की चेष्टाओं को प्राप्त करके विराजमान है। राधा मुकुंद नटता है, उस समय श्री राधा मुकुंद ये भी उल्लास के आनंद को धारण करने वाले होकर के, उल्लास को प्रकट करने वाले, विलास की कंदरा होकर के, कंदरा माने प्रकट करने वाली निधि, कंदरा का तात्पर्य है निधि। तो जैसे कंदरा के भीतर, निधि के भीतर ही, खान के भीतर ही रत्न छिपे रहते हैं, ऐसे ही उल्लास रूपी रत्न जिन युगल के हृदय में विराजमान है, ऐसे राधा मुकुंद नटतः स्म सुंदरौ, सुंदर राधा मुकुंद दोनों के दोनों आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। राधा मुकुंद दोनों के दोनों आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। राधा मुकुंद नटतः स्म सुंदरौ, दोनों सुंदर है, उनकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए, दोनों के दोनों अपूर्व रूप से सुंदर होकर के विराजमान। राधा मुकुंद तो मिथक क्षपंत एक दूसरे के ऊपर फूल फूल फेंक रहे हैं, ये छेड़खानी करना, जानबूझ करके किसी दूसरे को उल्लसित करना, ये रस की रीति है। सो आज राधा मुकुंद क्षिप्त मिथक क्षपंत सुमन परागम, सब सखी का एक दूसरे के ऊपर
फूल फेंक रही हैं, पराग माने गुलाल या पराग के कण इनको डाल रही हैं। समीर यंत सल्लम और जल जो है उस जल की पिचकारी भी एक दूसरे के ऊपर डालती हुई विराजमान हो रही हैं। सरागम राग सहित वो विराजमान हो रही हैं और मादनोल्लास विलास कंदरव और मादन भाव के विलास से युक्त वे जो प्रियालाल हैं वे प्रियालाल आनंद पूर्वक राधा मुकुंद नृत्यतः श्री राधा मुकुंद अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री प्रिया जो नृत्य कर रही है वही लाल जी कर रहे हैं, लाल जी जैसा नृत्य कर रहे हैं वही श्री प्रिया जी कर रही हैं। कृत्वा तावंत मात्मानं यावती गोप योषितः, जैसी गोपी हैं वैसे ही श्याम सुंदर, जैसे श्याम सुंदर हैं वो ही राग गोपी गा रही हैं, जो ताल श्याम सुंदर ले रहे हैं गोपी उसी ताल पर नृत्य कर रही हैं, गोपी जिस ताल पर नृत्य कर रही हैं उसी ताल की परनों को आगे बढ़ाते हुए श्री श्याम सुंदर वही ताल प्रस्तुत करते हुए या गोपी वही ताल प्रस्तुत करते हुए विराजमान। गोपी ने जैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं उसी के अनुरूप भाव वस्त्र भाषा उनको प्रकट करती हुई श्याम सुंदर विराजमान है। कोई गोपी लंबी है तो श्याम सुंदर भी लंबे, कोई गोपी गुट्टी है तो श्याम सुंदर भी गुट्टे, जैसे जिसने आभूषण धारण कर रखे हैं। कृत्वा तावंत मात्मानम, तावतम में रूप भाव श्रृंगार राग कला सब में एक सी होकर के शिवप्रियालाल विराजमान है, गोपियां विराजमान ऐसे विराजमान हो रहे हैं। तव धूने अंतव कलकंठ गानम, उस समय मधुर कलकंठ मानम गानम, कोयल के समान कंठ वाले गायन को धूने अंतव ये गुनगुनाती हुई विराजमान। धूने अंतव अभी गायन शुरू नहीं किया है, केवल गुनगुनाहट जो आलाप मात्र है, अभी आलाप भी नहीं हुआ है, अभी केवल गुनगुनाहट केवल स्वर को पकड़ा, फिर स्वर को पकड़ेंगे तब आकार में गायन करेंगे, जब आकार में गायन करेंगे उसके बाद में कहीं ध्रुव स्थाई जो है उस स्थाई की पंक्ति को लेकर के उसका गायन करेंगे, फिर उसके विस्तार के रूप में भाव के विस्तार के रूप में फिर अंतरा का गायन करेंगे, फिर अंतरा का विस्तार करते हुए आभोग करेंगे, फिर दुगुण चौगुण तीव्र गुण जो है उनको प्रकट करती हुई, फिर उन तीव्र गुणों को घटाते घटाते अवरोह करते हुए पुनः संपर्क ला करके स्थापित करेंगी। तो तब ये सारी की सारी धूने अंतव अभी गुनगुनाना प्रारंभ किया है। धूने अंतव कल कंठ मानम, कोयल के समान कंठ जहां पर प्रकट हो रहा है, गानम दधानव परम सुंदर गायन उसको प्रकट कर रही हैं, मधुरम समानम दोनों के दोनों समान मधुर जो गायन है उस मधुर गायन को करते हुए विराजमान हो रही हैं। भानंदनी मंद कृत हंस यानम, उस समय किशोर जी का तो कहना ही क्या, किशोर जी गायन करते करते धीरे धीरे ठुमकती हुई जिस समय आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे चरणों का विन्यास करते हुए जिस समय आगे बढ़ती हैं, भा नंदिनी, भा माने सूर्य, उनकी नंदिनी अथवा विश्वाणु, तो भानंदिनी माने यमुना, और भानंदिनी का दूसरा अर्थ हुआ श्री राधिका, विश्वाणु नंदिनी, वे विश्वाणु नंदिनी वे भी मंदी कृत हंस यानम, उन श्री राधिका की शोभा के आगे श्री हंस की जो गति है वो हंस की गति भी मंद हो गई है। हंस की गति जहां पर गति आगे की ओर झूठा लेती हुई चले उसका नाम है हंस गति, जहां पर अगल बगल में झूठा लेती हुई ऐठ करके चले उसका नाम है गज गति। सो आज हंस गति के समान श्री प्रिया आगे चल रही हैं, जैसे नाव चलती है रोइंग, इसी तरह से हंस गति के समान श्री प्रिया
उस समय आगे झूमती हुई चल रही हैं। भानंदिनी मंदी कृत हंस यानम, श्री विश्वानंदिनी ने हंस की गति को भी तुच्छ कर दिया है। ऐसी ये नुकुंज की भाषा है, जैसा रसिक जन दर्शन कर रहे हैं उस लीला में समाधि में, उसका वैसी ही सरस्वती उनके मुख से अपने आप प्रकट होती हुई चली जा रही है। भानंदिनी मंदी कृत हंस यानम तेनात आनंद पितान तानम, उन्होंने आनंद के वितान का विस्तार किया है। तान तनु विस्तार धारी है, तान माने विस्तार, उसको एक्सपेंड किया है। तो उन्होंने तेनात माने विस्तृत किया, आनंद वितान तानम आनंद के वितान के विस्तार को और भी अधिक विस्तृत करती हुई वे विराजमान हो रही हैं। अथवा श्री यमुना भी उस समय अपूर्व रूप से अपने आनंद को विस्तृत करते हुए विराजमान हो रही हैं, और श्री यमुना में कृत हंस यानम, मानो यमुना भी हंसों की गति के माध्यम से संग संग नृत्य कर रही है। यमुना में उठने वाली जो लहर है वे लहर भी मानो नृत्य करती हुई विराजमान है, और वो लहरें दिख रही, उनका नृत्य दिख रहा है हंसों की गति से। तो श्री प्रिया जी, हंस शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। हंस का एक अर्थ हुआ हंस नामक पक्षी, यमुना के अर्थ में अर्थ हुआ यमुना जी के अर्थ में हंस पक्षी, और श्री प्रिया जी के अर्थ में हंस का अर्थ होगा हंस माने नूप। तो नूपुर की ध्वनि भी उस समय प्रिया के चरणों से होती हुई चली जा रही है। मंदीकृत मंद मंद रूप में हंस गति, नूपुर की जो ध्वनि है वो नूपुर का शिंजन वहां पर हो रहा है। वे मंद रूप में हंस ध्वनि करते हुए श्री राधिका आगे बढ़ रही हैं, और श्री यमुना हंस गति से आगे बढ़ रही है। तो हंस माने हंस, हंस माने चरण के नूपुर, और भा में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग, भा माने सूर्य की पुत्री श्री यमुना, यमुना के अर्थ में भानंदिनी माने यमुना, और वृषभानंदिनी इसके अर्थ में भानंदिनी माने श्री राधिका, वे भी आनंद पूर्वक उस समय विराजमान हो रही है। ऐसे श्लेष अलंकार का प्रयोग है, और तेनात आनंद, ये आनंद जो है उनको ही विस्तृत बढ़ती हुई विराजमान हो रही है। उस समय पद्मी मृाली अथ कंद कई कलहे, उस समय श्री प्रियाजू ने ये जितनी भी सखी हैं, ये सखी भी सब सुंदर पटी हुई सखी हैं। कुछ सखी आ गई श्याम सुंदर के पक्ष में, कुछ सखी आ गई हैं श्री किशोर जी के पक्ष में, और उस समय आनंद पूर्वक होरी हो रही है। सखागण भी हैं, तो कुछ सखी जो सखी हैं वो श्याम सुंदर के पक्ष में, कुछ कभी सखी एक तरफ सखा एक तरफ, कभी कुछ सखी और सखा एक तरफ कुछ सखी एक तरफ, इस तरह से ये विराजमान। तो जहां निवृत्त नुकुंज की होली लीला है वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं, वहां पर सखी ही दो पक्षों में बट जाएंगी, और जहां श्री वृंदावन यमुना तट की लीला है वहां पर सखा भी श्याम सुंदर के साथ में विराजमान है, और सखीगण भी श्याम सुंदर के साथ में प्रिया जी के साथ में विराजमान है। इनमें मुख्य रूप से जो उपास्य हैं वो प्रिया जी की जो सखीगण हैं उनकी शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है। तो पद्मी मृाली अथ कंद कई चौ, अब होली का युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों पक्षों में, श्याम सुंदर के पक्ष में भी और प्रिया जी के पक्ष में। तो पद्मी पद्म एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं, पद्म कुछ अद्भुत वस्तु, श्री हस्त पद्म, नयन पद्म, अधर पद्म, जहां पद्मी पद्म जो हैं वो पद्म एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का स्पर्श करते हुए विराजमान है। कहीं मृाल ही मृाल शरीर की जो भुजनाल भुजे है, भुजा ही मृाल होकर के विराजमान है। मृाल मृाल जो है वो
एक दूसरे का स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को वशीभूत करते हुए विराजमान है। तो पद्मी मृणालयी अर्थ कंदुक कई, कंदुक जो है वो कंदुक भी गेंद भी चल रही है, फूलों की गेंद परस्पर मारी जा रही है। और तयो कुणन मंजुल कंकणावली ही, और उस समय मंजुल कंकणावली वे अपूर्ण रूप से स्वर करते हुए विराजमान है। कुणन मन स्वर कर रही है, आवाज कर रही है, मंजुल कंकणावली, कंकणावली स्वर करती हुई विराजमान है। और मंदस्मितोद्यत भ्रुकुटी चला धरा, उस समय मंद मंद मुस्कान सहज में, सहज रूप में आधार के ऊपर विराजमान है, मंद स्मित विराजमान है। और उद्यन ध्रुकुटी भौएं भी नाच रही है, जैसे ताल बज रही है उस ताल के साथ में भौएं भी नाचती हुई विराजमान, अधर अधर नाच रहे हैं, भौएं भी नाच रही है भौं के द्वारा। कभी चरण के नूपुर, चरण के नूपुरों से ताल को प्रकट किया जा रहा है, चरण के नूपुर बंद हो जाए तो श्रीहस्त जो है उनके द्वारा ताल को प्रकट किया जाए, श्रीहस्त जब बंद हो जाए तो अधर के द्वारा नृत्य हो रहा है, तो अधर जो है उन अधरों के द्वारा भी नृत्य हो रहा है, कभी अधर भी बंद हो गए अब भौं के द्वारा नृत्य हो रहा है, जय 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 भौं नाच रही। सो अपूर्व शोभा ये मंदस्मितोद्यन भ्रुकुटी चलाधरम, भ्रुकुटी भी नृत्य कर रही हैं, अधर भी नृत्य कर रहे हैं, श्रीहस्त भी नृत्य कर रहे हैं, चरण भी नृत्य कर रहे हैं, कटी जो है वो भी नृत्य करते हुए विराजमान है। सुखम सखी नाम अतनोत कलाधर, ऐसे श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया जी के सामने नृत्य करते हुए आप शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, और उन कलाधर ने सखियों को अपूर्व सुख प्रदान किया। श्याम सुंदर का नृत्य सखियों को नृत्य प्रदान सुख प्रदान कर रहा है, सखियों का नृत्य श्याम सुंदर को अपूर्व सुख प्रदान करते हुए विराजमान हो रहा है, दोनों ही कलाधर होकर के विराजमान। और ये तो अपूर्व कला को धारण करने वाले हैं। तो पद्म के द्वारा, मृणाल के द्वारा, कंदुक के द्वारा परस्पर कली कह करते हुए अथवा नृत्य में ही उन विभिन्न भंगिमाओं को जैसे प्रकट करते हुए, कभी गेंद मारी जा रही है, कभी लपकने का जो अभिनय है वो किया जा रहा है, कभी झुककर के गेंद को लपकने का, कभी कमल के द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है उसको रोकने का अभिनय करते हुए श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों साक्षात कभी कमल लेकर के, गेंद लेकर के, और कभी अभिनय में उनका अभिनय करते हुए, भावानुकरण करते हुए श्री प्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हैं। तो पद्मी मृणालयी अथ कंदुकी कलिस्तयो कलह करते हुए, और नृत्य में भी जो जवाब सवाल है, जो चौपा चौपी है उसको करते हुए, जवाब सवाल करते हुए नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उस समय मंजुल कंकणावली बज रही है और मंद रूप में मुस्कुरा रहे हैं। ततो ब्रजेंद्रात्मज दर्शनोत्सुका नानांशुका मंजुल मंडनांशुका ते बल्लभा गोपनृतम नीचयम। सारा आबब्रुह अतीव निर्भयम, सारावम आबब्रुह अतीव निर्भयम, ऐसा सुंदर नृत्य चल रहा था और उस नृत्य में ये जितने भी दाल भात में मूसर छंद जितने भी सखागण हैं वो बीच में कूद पड़े। अभी तक तो श्री प्रियालाल का नृत्य चल रहा था, परंतु ततो ब्रजेंद्रात्मज दर्शन हो सका, श्री ब्रजेंद्रात्मज श्याम सुंदर उनके दर्शन के लिए उत्सुक होकर के नानांशु का अनेक प्रकार के वस्त्र पहन करके, होरी में छदम वेश धारण करना ये भी होरी का एक अंग है, विचित्र वेश धारण कर लेना, अब लहंगा पहन करके, ओढ़नी ओढ़ करके, ये सारे सखागण आ गए
भंभोसी बन करके और ये सखागण आ जाए। हमारे ब्रिज का एक शब्द है भंभो, कोई किसी के मध्य को पीटेगा जो मोटी मोटी सी हो और थोड़ी प्रगल्भ ज्यादा हो और किसी के ऊपर भी धौल जमा दे, उसका नाम है भंभो। कभी कभी ऐसे अरे भंभो तू चुप है। ये भंभो जो है वो भंभो तो कोई भंभो बन करके, कोई विचित्र वेश धारण करके, भूत प्रेत से बन करके वहां पर आ गए, अद्भुत अद्भुत वेश उनको धारण करके। क्योंकि छदम वेश धारण करना और विचित्र वेश धारण करके युद्ध होली में आना और किसी को हंसाना, सबको हंसाना, क्योंकि ये आनंद का अवसर है। हृदय की जितनी भी सामान्यतः भी होली का जो अवसर है वो हृदय के जितनी भी दमित वासनाएं हैं और जितनी भी वर्जनाओं के कारण हृदय में जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं उन सब भावनाओं को उन्मुक्त कर सकने का एक स्व अवसर है, जहां पर के हृदय के सभी भावों को भुला करके, दुख को भुला करके आनंद पूर्वक वर्जनाओं की सीमाओं को तोड़ करके, जहां उन्मत्त होकर के अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त किया जा सकते और वर्जनाओं को दूर किया जा सके। ये होली का एक सहज स्वरूप भी है, आनंदात्मक स्वरूप भी है और इसमें वर्जनाएं इसीलिए समाप्त हैं। हर जगह हर समाज में भी ये अवसर समाज कहीं ना कहीं प्रदान करता है कि व्यक्ति अपनी जो वर्जनाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको दूर करके वह उन्मुक्त होकर के अपने स्वरूप में, अपने मन के उन्मुक्त स्वरूप में, स्वाभाविक स्वरूप में अपने आप को प्रकट करके सहज रूपता को प्राप्त कर सके। तो जितने भी सखागण हैं ये तो अब यहाँ पर तो कोई मन में वर्जनाएं हैं नहीं, यहाँ पर श्री ब्रजलीला में मन में कोई कुंठाएं हैं नहीं। जहां कुंठाएं हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हर समाज ये सुविधा प्रदान करता है, परंतु श्री होरी लीला वो तो अद्भुत है, वहां पर तो कोई वर्जनाएं और कुंठाएं कॉम्प्लेक्सेस हृदय में है ही नहीं। अतः वहां पर तो श्री प्रिया लाल को आनंदित करना, इसके लिए ही ये सारे सखा विचित्र वेश धारण करके सबके सब आगे हैं। तत्व तो ब्रजेंद्रात्मज दर्शन उत्सुक, ब्रजेंद्रात्मज के दर्शन के लिए उत्सुक होकर के नानांशु का अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करके, मंजुल मंडन इनको धारण करके, मंडनांशु का सुंदर वस्त्र आड़े टेढ़े लटका करके, ते बल्लवा वे गोपगण, बल्लभ माने गोपगण, गोप नितंब नीचयम, गोपों ने भी, गोपियों का सुंदर गोपियों का, गोप नितंब नितंब माने सुंदरी, जो सुंदरी गोपिका गण हैं उनके चयम माने समूह को सारावम हो हो ऐसे राव करते हुए, आवाज करते हुए सारावम आवब्रुह, गोपियों को घेर करके ये खड़े हो गए। बीच में गोपी, चारों ओर गोप घेरा बना करके खड़े हुए हैं और गोपी जिस समय मधुर रूप में नृत्य कर रही हैं, जिस समय अंगूठा दिखाते हुए टेढ़ी होकर के कि मानो कमर ही नहीं टूट जाए दोहरी होकर के नृत्य कर रही हैं, उनके जवाब में ये गोप भी घेरा में खड़े खड़े ही टेढ़े होकर के नृत्य कर रहे हैं और ये भी दोहरा हो रहे हैं। और जो लोक संस्कृति है, लोक जीवन, उसको ही अभिव्यक्त करते हुए ये विराजमान अपूर्व रूप से हो रहे हैं। जहां पर कहीं चढ़ाने की भंगिमा प्रकट की जा रही है, कहीं धान कूटने की जो भंगिमा है उसको प्रकट कर रहे हैं, कहीं नौका खेलने की जो भंगिमा है उसको प्रकट कर रहे हैं, कहीं जल आहरण की जो मुद्रा है उसको प्रकट कर रहे हैं, कहीं मुकुट की जो गत है उसको, कहीं वेणु की जो गत है उसको, कहीं सूर्य चंद्र दर्शन की जो गत है, ले 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 ऐसे ऐसे सूर्य चंद्र दर्शन की जो गत है उनको प्रकट करते हुए ये गोपी भी और गोप भी तदन रूप नृत्य करते हुए ब्रज की जो लोक संस्कृति है, उस लोक संस्कृति को, फोक कल्चर, उसको भी प्रकट करते हुए ये अपरूप से नृत्य करते हुए विराजमान है और सब अपने हृदय के एकमात्र श्री युगल सरकार को सुख देने का जो भाव है
उस भाव को प्रकट करते हुए आनंदित हो रहे हैं और सखागणों के साथ में भी उस समय विराजमान हुए। बोलो श्री लाल लीलाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय। आज के प्रसंग के अनुसार एक बड़ी सुंदर धमार है, अब कितनी निभ पाएगी ये तो क्योंकि तो संगीत का मुझे ज्ञान नहीं है परंतु धमार तो बहुत बड़ी है, परंतु इसमें से कुछ उसकी जो तुक है उनका गायन करेंगे और श्री हितला सुखलाल जी की सब धमार है मेरे पास में, किसकी किसकी देखिए हाँ हाँ है बड़ी धमार, परंतु इसकी कुछ तुकों का हम गायन करेंगे या श्री लाल जी को सुनाएंगे किशोरी जी को सुनाएंगे कुछ तुकों का बड़ी सुंदर। मतलब आज की जो लीला है वो बिल्कुल लीला यूं की त्यों है, इसी लीला का वर्णन किया गया है इस धमार में। अहो रंग हो होरी खेले लाडली नल नबलाल सो रंग हो होरी खेले लाडली नबलाल सो अलक लड़ी चायन अलबेड़ी अलक लड़ी चायन अलबेड़ी रंग रंगीले ख्याल सो रंग रंगीले ख्याल सो ए हाँ चौपन भरी समात न गातने बहु विधि नव सत साजे। हाँ चौपन भरी चौपन मन उत्साह चौपन भरी समात न गातने बहु विधि नव सत साजे। नव सत माने नौ प्रकार के तो आभूषण और सात प्रकार के रंग जैसे काजल माथे की बिंदी चंदन चतुरता स्नान कुमकुम जो पान तो ये सात तो हैं रंग और नौ हैं आभूषण तो नौ सात सोलह तो सोलह श्रृंगार साजिल का साज करके ये गोपिकागण आई। ए हाँ अंगन चीर रंगे नव रंगने निरख निरख अंगन गन लाजे। हाँ अंगन चीर रंगे नव रंगने निरख अंगन गन लाजे। चहु दिश फूली रही फुलबारी जल यंत्र ने शोभा न्यारी। चहु दिश फूली रही फुलबारी जल यंत्र ने शोभा न्यारी। मध्य विराजत मणिमंडल ताहा खेल रचो नव सुकुमारी। मध्य विराजत मणिमंडल कहाँ खेल रचो नव सुकुमारी। अब योगपीठ का वर्णन है, योगपीठ में बीच में अष्टकोल अष्टकमल दल है, उस अष्टकमल दल के आठों कमलों पर आठ सखी हैं और उन कमल जहां पर कमल कोश से मिलते हैं वहां पर मंजरी का स्थान है और उसके बाद में फिर चार कुंड चार ओर विराजमान हैं। मान मधुर आदि जो कुंड हैं वो कुंड चारों ओर विराजमान हैं और चारों
मुख्य जो भवन है उसके बाहर बड़े बड़े चार बरामदे हैं और वहां पर शिवप्रिया लाल भवन में भी विराजमान और ऐसे श्री रासमंडल में भी अष्टकोण बीच में मुख्य मंडल है गर्भमंडल और उसके चारों ओर अष्ट सखीगण जो हैं वे अष्ट सखीगण उनके यूथ श्री प्रियालाल के साथ में खेल रहे। आज्ञा पाए दई लाल ने देश कछु सखी खेल रचावन को आज्ञा पाए दई लाल देश कछु सखी खेल रचावन। अर्थात श्री प्रिया जी ने आज्ञा दी और प्रिया जी की आज्ञा को लेकर के क्योंकि एकदम निवृत्त मुकुंज की लीला है तो उसमें सखाओं का भी प्रवेश नहीं है इसलिए सखियों में ही कुछ सखी प्रिया जी की आज्ञा को प्राप्त करके लाल जी के पक्ष में आ गई है पटी हुई और कुछ पटी हुई सखी श्री राधा जी के पक्ष में आ गई है और दो यूथों में बट करके ये खेल खेल रहे। सो आज्ञा पाए प्रिया जी की आज्ञा मिली। एहा चिंतित सुखद उपाय निरंतर दंपति लाल लड़ावन को चिंतित सुखद उपाय निरंतर दंपति लाल लड़ावन को इत गोरी उत श्याम भाम तो दो दल सज सन्मुख ही रे इत गोरी उत श्याम तो। ध्यान रखना चाहिए इत शब्द वाणी साहित्य में राधा रानी का वाचक है और उत शब्द लाल जी का ये रहस्य है। इत शब्द जहां भी आए राधा रानी के लिए सना इस शब्द और श्याम सुंदर के लिए उत्त शब्द तो निजी जो अभिमान है रसकों का वो इत और है इतते आई कुमार का राधिका उतते श्याम कन्हाई तो ये इत और उत्त शब्द ये वाणी साहित्य की एक पकड़ है। वाणी साहित्य में तो इत शब्द का अर्थ है राधा रानी और उत्त शब्द का अर्थ है श्याम सुंदर तो इत शब्द सदा राधा रानी का वाचक है। इत उत इत गोरी उत श्याम भाम तो दो दल सजी सन्मुख हेरे इत गोरी उत श्याम भाम तो दो दल सजी सन्मुख हेरे जूठन सहित गुलाल उड़ावत छवि आवत आए नीरे जूठन सहित गुलाल उड़ावत छवि आवत आए नीरे छवि को दिखाते हुए मेरे माने पास में दोनों यूथ आ रहे युद्ध करने के लिए। पिचके चलती भरी बहुरंग में समहरी समहरी मुरी मुरी झेले पिचकारी नहीं चल रही है बल्कि पिचका चल रही है पिचके पिचकारी होती है छोटी पिचका होता है वो जिसको कमर की फेंट के ऊपर लगा करके दोनों हाथ से जब भींचा जाए तो एक फल्लांग तक जिसकी धार जाए उसका नाम पिचका है। तो पिचके चलते भरी बहुरंग ने समहरी समहरी मुरी मुरी झेले शिवप्रिया में समझ समझ करके मुड़मुड़ करके झेलती लचकति कटे मुखरित रसनावली कोटिक छवि पाइन पेले लचकत कटे कमल लचकती मुखरित रसनावली कोधनी जो है वो मुखरित हो रही है कोटिक छवि पाइन पेले कोटिक छवि पाइन। प्रिया जी की एक शोभा
कि बिमली फेरत रुचिर मुख आनन झूम झूमे कुंचित अलके बिमली फेरत। अब जो सुंदर बिमल जो अलकावली है वो आकर के श्री प्रिया के मुख पे आ गई। परस अधर अरुझत बेसर सो मिरख नैन भूलत पलके। परस अधर अरुझत बेसर सो मिरख नैन भूलत पलके। बिमली फिरत रुचिर आनंद पर। बिमली जो है वो बिमली का आभूषण भी है और अलकावली जो है वो भी आ गई, अधर के ऊपर आ गई। अब श्री प्रिया जी की शोभा दर्शन के अरुण अबीर भरे हाथन सो सुरझावन भामिनी दीनी। प्रिया जी के हाथ तो रंग से भरे हुए परंतु उनसे ही अलकों को सुलझा रही है। नथ में जो अलकावली आ गई बलिहारी है, जो नथ में अलक उलझ रही हैं, उनको रंग भरे हाथ से ही शिप्रिया सुलझा रही है। सो अरुण अबीर भरे हाथन सो सुलझावने भावने दीनी। ललित कपूल सुभग नासा पर झलकत अरुणाई जीनी। और हाथ की जो गुलाल है वो कपूल के ऊपर और अधरों के ऊपर स्वयं ही लगा रही सुलझाने के चक्कर में। ललित कपूल सुभग नासा पर झलकत अरुणाई जीनी। ए हां रंग भीजी चुहु चुहनी बसने की स्वच्छ लचने तने की शोभा रस भीनी चुहन बसने की स्वच्छ लचने तने की शोभा। अब जो श्रीअंग में वस्त्र चिपक रहे हैं तो रस भीजी चुह चौहन और वस्त्र जो है वो चौहा टपक रहे हैं चौहा रहे हैं। चुह चौहन बसन की स्वच्छ लसन तन की शोभा श्रीअंग के ऊपर अपूर्व तन की श्रीअंग की जो शोभा है वो भी वस्त्र के बीच से झलक करके बाहर प्रकट हो जाएगा। तो स्वच्छ लसन तन की शोभा जगमगान अंगन मणिभूषण निरख परस्पर मन लोभा। लाल जी की शोभा का दर्शन करके प्रिया जी की शोभा का दर्शन करके लाल जी दोनों जगमगा रहे हैं। आ कह रहे हैं उत्मोहन इत नवल किशोरी सन्मुख चलते दृगन जोरे ले ले विवेक बुलाल सुघर बर मुठन संग तानन तोरे। उत्मोहन इत नवल किशोरी उतोहित वही वही भाव है। स्वपक्ष जो है वो श्री किशोरी जी के अपना अपनी जो भावना है अपना जो स्वरूप है वो मैं किशोरी जी की दासी हूं ये भाव है। तो उत्मोहन इत नवल किशोरी सन्मुख चलत दृगन जोरे। प्रियालाल दोनों एक दूसरे को देखते हुए ठमकते हुए आगे आ रहे ले ले विविध गुलाल सुघर बर। अप्रिया जी ने भी हाथ में गुलाल ले रखी है और श्याम सुंदर ने भी गुलाल की मूठ हाथ में ले रखी है छोड़ नहीं रखे मार, मार। हाथ में केवल गुलाल ले हुए हैं मुठन संग तानन तोरे। मूठ में गुलाल ले रखी है और गायन करे मारूंगा तानन तोरे गायन करते हुए विराजमान हो रहे। बढ़िया पानन रची नवल दस नावली
नेह रची चितवन सोहे पानन रची नवल दस नावई नेह रची चितवन सोहे सस्मित मुख मिल गान करत दो मधुर स्वरन उपमा को है सस्मित मुख मिल गान करत दो मधुर स्वरन उपमा कोई उपमा नहीं चले यहाँ उपमा कोई नहीं अब दांत जहां पर पान नहीं खाए हुए हैं वहां पर दांत की शोभा है हीरा की और जहां पान चबाया हुआ है उस समय श्री स्वामी जी के दांत की शोभा है वो है अनार की और जिस समय काफी देर तक दांत पान चबा लिया है उस समय दांत की शोभा है कुंद की। कुंद में बीच में एक लाल धारी होती है पूरा सफेद बीच में एक लाल धारी तो जहां मसूरों में और दांत के बीच में एक लाल धारी है वो है कुंद जहां पान नहीं खाए हुए हैं वो है हीरा और जहां पान खाए हुए हैं और पान अभी चबा रहे हैं उस समय मुख्य जो शोभा है वो अनार। तो दालन दंती हीरक दंती और कुंद दंती ये तीन अशोभा की। तो यहां पर कोई पानन रची नवल दस नावली अभी पान खाई हुए आप लोग पलट चले अपनी अपनी दिश ठुमुक ठुमुक चरणन राखे। अब श्री युद्ध करने के लिए आए और आते आते फिर दोनों अलग अलग हो गए पलट चले अपनी अपनी दिश अपूर्व शोभा हो रही है। इधर दक्षिण दिश झुके कुंवर छबीली सहचरी सो हसी बात कही दक्षिण दिश झुके कुंवर छबीली सहचरी सो हसी बात कही। अब श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की शोभा का श्री विशाखा के सामने कुछ वर्णन कर रहे हैं। परम प्रवीण रसिक बरते ही ओ सरिक घात लही। अब प्रिया का ध्यान नहीं है श्याम सुंदर ने उस मौके का उपयोग किया। परम प्रवीण रसिक नागर ती ओ सरिक घात लही। अब क्या घात लई क्या चतुराई की कि दृष्टि बचाए आए प्यारी तन भर पिचकारी तन भर पिचकारी मेली दृष्टि बचाए आए प्यारी तन रंग भर पिचकारी मेली चंचल गति बाएं करतल पर ओट लई नब अलबेली। अब जो पिचकारी की धार आ रही है उसको श्री प्रिया जी ने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रोका। सो चंचल गति होकर के बाएं करतल पर ओट लई छवि अलबे नब अलबेली। फिर हुआ क्या कि ए हाँ उछट छीट रंग मिही फुही कान हाथ से टकरा करके झीनी मिही मिही मन महीन जो फुही है फुहार वो उड़ करके शिवप्रिया जी के कपोल के ऊपर आई। तो उछट छीट रंग मिही फुही कान मृद कपोल पर सोही रही चतुर शिरोमणि खेल सोजित जे निकल आ निकट आए छवि जो ही रहे। और श्याम सुंदर
पिचकारी चला करके और पास में आकर के निहार रहे किशोर जी सर ये चतुर श्रोमण खेल सोच पच खेल को छोड़ करके और निकट आए छवि जो ही रहे निकट आकर के प्रिया जी की छवि को देख रहे कहत लाल बल चल सुखदानी कुंज के लिए रस अनुरागे कहत लाल लाल जी कह रहे हैं भले हरी जाओ कैसी सुंदर शोभा हो रही है कुंद ही तो रंग डाला है और कह रही कैसी सुंदर शोभा हो रही है भले हरी कैसी सुंदर शोभा है चलो चलो कुंज महल में चलो ऐसे प्रार्थना करें प्रिया कहते निज ताब लिए बिन कैसे हूं सग न धरो आगे जब तक अपना दाब नहीं ले लूंगी तब तक यहां से हिलने वाली नहीं हूं तुमने कैसे छल पूर्वक मेरे ऊपर पिचकारी मारी उसका दाब लूंगा सो प्रिया कहते निज दाब लिए बिन कैसे हूं पग न धरो आगे उत बिनती वही उचित का ध्यान रखना उत बिनती एक नेति नेति बचे उत बिनती नेति नेति बचे मधु बोलन नेहन सानी मधु बोलन नेहन सानी सुन सहचरी सुन चहचरी सहचरी जुड़ियाई पूछत कलह कहा सारी सखी सुन करके इन दोनों की बातचीत को सुन करके घेर करके अपने अपने काम को छोड़ करके और प्रियालाल को घेर करके खड़ी हो गई है सुन चहचरी तो चहचरी हो करके जितनी भी सहचरी हैं वे चहचरी और सहचरी वे सबकी सब जुड़ करके पूछ रही है काय बात की लड़ाई हो रही है भाई काय का झगड़ा हो रहा है काय को क्यों झगड़ा कर रहे हो काय की झगड़ा हो रहा है कलह कहा था नहीं बोली कुंवरे गुलाल ख्याल रचे बिच छाणी छल पिचकारी बोले यहाँ पर खेल चल रहा था गुलाल का पिचकारी की बात नहीं थी पिचकारी उन्होंने चलाई और फिर हमारा ध्यान नहीं था बिना हमारे ध्यान के पिचकारी क्यों चलाई ए हाँ सुन सहचरी बोली कुंवर सहज बोली कुंवर गुलाल ख्याल रची बिच छाणी छल पिचकारी दृगन नचाए बचन रचनन तकी छकिलालन गति मति हारी अब श्री प्रिया जी जब कह रही हैं तो प्रिया जी के जो दृग नाच रहे हैं उनको देख करके उनकी वचन रचना उनको देख करके श्याम सुंदर और मोहित हो रहे हैं प्रिया के निषेध बनाओ ललता समझ न्याय सुठी कीनो प्राण भामती मन मान्यो अब दोनों ही बोले प्रियालाल कि भाई कोई निर्णय कर दो हमने कोई गलती की है क्या तो श्री ललता जी बोली सब ने दोनों ने तय कर दिया कि ललता जी निर्णायक है तो ललता समझ ललता ने दोनों की बात को सुना दोनों पक्षों को सुना ललता समझ न्याय सुठी कीनो प्राण भाम पी मन मान्यो ऐसा न्याय जो कि पक्ष को भी मंजूर हो और प्रतिपक्ष को भी मंजूर है ऐसा कहीं होता है क्या परंतु ये ऐसा न्याय है अद्भुत न्यायाधीश है कि जिसमें दोनों पक्ष अपने आप को विजयी माने ऐसा न्याय किया तो प्राण भी प्राणी भी मान रहे हैं और भामती भी दोनों के दोनों प्राण भामती मन मान्य न्याय क्या किया है निर्णय क्या दिया है वर्डिक्ट क्या है कि पिया आंखन काजर दे हसीये यह बदलो अति रस सानो बोले प्यारे की आंखों में काजल लगा करके हंस दो ये बदलाव हो गया
बिब कजरन के अग्र बिब कर जम के अग्र भाग मखी ले लड़के पिय हाथ गयो चाह भरे लोचन ही जानत जो सुख ती छिन लाल लय हो। उस समय बिब माने दोनों करेज माने नाखून करेज तो दोनों हाथ के पोरुआ अग्र भाग मखी उनके अग्र भाग में मखी माने काजल इनको लाल लड़की पिय हाथ गयो प्रिया जी ने लाल जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके चाह भरे लोचन नहीं जानत नेत्रों में जो काजल लगा दिया है चाह भरे लोचन नेत्र अपूर्व चाह से भरे हुए हैं सो सुख तिह छिन लाल लय हो श्री लाल जी जिस सुख को चाह रहे थे वो सुख प्राप्त हुआ। गही कर झगरन चित चोरने काजल लगाने ये झट्टा छीना झट्टी हो रही है। गई गई कर वे हाथ पकड़ती है हाथ छुड़ाते हैं फिर वे हाथ पकड़ती है हाथ छुड़ाते हैं तो गई गई कर झगरन हाथ पकड़ने में झगड़ा हो रहा है। चित चोरन झक झक झोरन अति सुखकारी बाम बाहु पिय ग्रीवा कसे हंसी बाई भुजा से श्याम प्रिया जी ने श्याम सुंदर को भींच लिया और बोले अब कहां जाओगे जब भींच लिया और भींच करके सो बाम बाहु प्रिय ग्रीवा कस प्यारे की गर्दन को बाई भुजा से कस करके हंस आजी अखियां अनियारी जो आंखें हैं उनको आंज दिया अनियारे रत्नारे कजरारे ये नेत्र के तीन विशेषण अनियारे माने नुकीले कजरारे माने काले और रत्नारे माने जिनमें लाल डोरा पड़े हुए हैं ये नेत्र की तीन विशेषण तो यहां अनियारे जो नेत्र हैं उनमें और काजल आज दिया। प्रेम विवश चाहत पग परस्यो झलक झलक तन मन छाहे श्री श्याम सुंदर प्रेम विवश होकर के प्रिया जी के चरणों को छूना चाह रहे इस समय हार गए आंखों में काजल लग गया अंत में हार गए और प्रेम विवश चाहत पग परस्यो ललक ललक तन मन छाहे प्रिया जी के चरण पकड़ने की ललक है तो अति उदार रिजवार रंगीली रीज कंठ सो लपटाए श्याम सुंदर नीचे झुक रहे हैं और श्री प्रिया जी ने रीज करके प्यारे को अपने कंठ से लगा लिया। रीज कंठ सो लटका लपटाए पर सत अंग अनंग सरस भयो बोलो लाली लाल की पर सत अंग अनंग सरस भयो रोम रोम आनंद फूले हित पागे रस रसीले नवल निकुंज सुख अनुकूले हित में पगे हुए रंग रसीले नव निकुंज सुख अनुकूले नव निकुंज सुख में विराजमान है। हरख हरख बिल सत नव नव विधि इस प्रकार अपूर्व होली लीला हो रही है। रति विहार अति मन मान्यो जय श्री हित सुख लाल कृपाल कृपा कर यह विलास दृग दर्शायो हरख हरख बिल सत नव नव विधि हरख हरख करके नव नव विधि से विलास कर रहे हैं। रति विहार अति मन भायो रति विहार करते हुए श्री युगल सरकार विराजमान है। श्री हित सुख लाल कृपाल कृपा करे श्री हित सुख लाल कृपा करे यह विलास दृग दर्शायो मेरी आंखों में श्री हित जी नहीं श्री गुरुदेव नहीं प्रेम तत्व तो नहीं इस विलास को कृपा करके दिखाया है इस विलास का दर्शन कर रही है। हितलाल जी की धमाल है वो कवि की बोलो श्री लाली लाल की जय होली के रसिया की जय। बहुत विलंब हो गया क्षमा कर जय श्री राधेश।
गोविंद जय जय गोपाल जय।